नमस्कार, मैं नम्रता हृदय नारायण मिश्रा सासी। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। मुझे लास्ट टाइम विधि ने बोला था कि एक लाइन गा के मैम शुरू करिएगा, तो मैं वहां से शुरू करती हूँ। आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए, मर जाएंगे हम मगर दूर तुमसे हो गए। आवाज दो हमको, हम खो गए। थैंक यू। कि आंख खुलते ही मिजाज में आ जाता है, आंख खुलते ही मिजाज में आ जाता है, दिले नादान फिर भी तेरे जाल में आ जाता है। कि ठुकरा देता है दिल वालों को शहर का मिजाज, ठुकरा देता है दिल वालों को शहर के मिजाज में बेवफाई है, ठुकरा देता है दिल वालों को शहर के मिजाज में बेवफाई है। मुफलिसों से कौन दिल लगाता है, मुफलिसों से कौन दिल लगाता है, इश्क अब अमीरों की हरजाई। कि जाने कितने कतरों में, लाइक हम बहुत याद करते हैं ना किसी को, तो क्या हाल होता है सबको पता है, तभी सब यहाँ है शायद। कि जाने कितने कतरों में ये जान बाटी जानी, जाने कितने कतरों में ये जान बाटी जानी है, दिन तो कटा है जैसे तैसे, अभी रात काटी जानी बाकी है। जब आपको रिस्पांस ना मिले आपके पसंदीदा शख्स से, तो आप अपने बारे में यही सोचते हो ना, आप सेल्फ नेगेटिव हो जाते हो कि तू इतना मशरूफ क्यों है और मैं इतनी बेकार क्यों, तू इतना मशरूफ क्यों है मैं इतनी बेकार क्यों हूँ। वो समझ में आता है कि जब हम चाहते हैं कि ठीक है किसी को जाना है तो उसे जाने दो बहुत आराम से, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो दर्द छुपा होता है, तो उसको मैंने बयां करने की कोशिश की। आई होप कि आप लोग ताल्लुकात रखेंगे। रश्मे उल्फत निभाई जा रही है, अब तो हर चीज भुलाई जा रही है। होने लगा हूं मैं अब खुद से भी दूर, होने लगा हूं मैं अब खुद से भी दूर, इश्क की कीमत चुकाई जा रही है। कि उसी इंसान से हम एक बार प्रश्न पूछते हैं कि बहुत पास आना एक बहाना था ना, बहुत पास आना एक बहाना था ना, मुझे हमेशा के लिए छोड़ जाना था ना, बहुत पास आना एक बहाना था ना, मुझे हमेशा के लिए छोड़ जाना एक बहाना था ना। साजिशें कैसे कर लेते हो अगर मोहब्बत है, साजिशें कैसे कर लेते हो अगर मोहब्बत है, दूर होना ही था तो मुझको बताना था ना। कि सबने बताया प्रोफेशन भी पैशन भी, तो उसी पे मैंने कुछ लिखा था कि दिल पे जिम्मेदारियों का बोझ लेकर घर से निकले हैं कमाने रोटियां, दिल पे जिम्मेदारियों का बोझ लेकर घर से निकले हैं कमाने रोटियां, मिट गई हैं जिंदगी के पृष्ठ से इश्क और उल्फत की सारी पंक्तियां। कि जब आपको इग्नोर किया जाता है, तो उस पे मैंने लिखा था कि उसका नजर अंदाज करना मुझे कुछ इस कदर परेशान करता है, उसका नजर अंदाज करना मुझे कुछ इस कदर परेशान करता है, मैं बेचैन घूमती हूँ और वो मुझ में कहीं आराम करता है। सबके कॉन्फिडेंस, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ पेशे से, मैंने बताया नहीं, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा लिखा था कि कितना कुछ हो ना, अपने आप को मौका देते रहो, तो अपने अंदर की आग जलाते रहो। उसके लिए मैंने लिखा था कि हवाओं से उलझेगा चराग जलता रहेगा, हवाओं से उलझेगा चराग जलता रहेगा, अंधेरों से लड़ेगा हरसू जलता रहेगा, लगा ले दम सारे जमाने भर की ये बलाएं, लगा ले दम सारे जमाने भर की ये बलाएं, हर एक साजिश से जीतेगा और चलता रहेगा। कि दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत हमारी, दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत हमारी, यह एक चराग कई आधियों पे भारी है। मैं थोड़ा भगवान में बिलीव करती हूं, तो उसके लिए लिखा था कि हमारे लिए भी कोई मंजिल लिखे होते भगवान,
हमारे लिए भी कोई मंजिल लिखे होते भगवान, ये अंतहीन रास्ता यह सफर अब भारी पड़ रहा है। की रिहाई, अब मैं थोड़ा सा मिसलेनियस है, आई होप कि आप लोग को मेरे शब्द बता पाएंगे। कि रिहाई तेरी मेरी सांसों से हो भी तो कैसे, तेरा हक एक उम्र में अदा हो भी तो नहीं पाएगा। कि वो मुझ पे भरोसा कर नहीं पाया, शायद उसका राबता सच्चे लोगों से कभी नहीं पड़ा था। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए, समय न जाया करते हुए मैं कोशिश करती हूँ। हम सब हिंदवासी हैं, सबको हिंदी आती है, मैंने उसी में लिखने की कोशिश की है। नेगेटिव नहीं है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, ये क्वेश्चन है उनसे कि हे राम आप कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हे राम आप कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि आप अपने सीते को ही उसके हिस्से का स्नेह न दे सके। आप जिस भाव से शिव धनुष तोड़कर अपनी अर्धांगिनी उनको बनाया था, उसी भाव से उनकी गर्भावस्था में सेवा क्यों नहीं कर सके। वह एक राजा की पुत्री थी और चक्रवर्ती राजा की पत्नी थी, हे राघव आप उनके सम्मान की रक्षा क्यों नहीं कर सके। हे राम जब सिंदूर और दूध की लड़ाई हो रही थी, सिंदूर मीन्स राम और दूध मीन्स लवकुश, जब सिंदूर और दूध की लड़ाई हो रही थी, हे राम तुम अपने पुत्रों को क्यों नहीं पहचान सके। हे राम क्यों तुमने समाज के ठेकेदारों के बातों में आकर सीता की ही अग्नि परीक्षा ले ली। हे राम तुमने क्यों समाज के ठेकेदारों की ही बातों में आकर सीता की ही अग्नि परीक्षा ले ली। हे मर्यादा पुरुषोत्तम आप धरती में समाने से जानकी को क्यों नहीं रोक पाए। हे राम आप कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप सीता मैया के हिस्से का स्नेह उन्हें क्यों नहीं दे पाए। इसका पार्ट टू दिल की बोली में आएगा। थैंक यू सो मच।